हेलो गाइस, मैं शान हुसैन और आप देख रहे हैं मेट समेट कोर्स। पिछले वीक मैंने कई सारे लोगों के सवालों का जवाब दिया था, जिसमें बहुत से लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो पाए थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए कुछ लोगों के क्वेश्चन रह गए थे। तो उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर अपने इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, किसी बीमारी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगला जब Q&A का वीडियो बनाऊंगा तब आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो अपने इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। श्रुति सिंह ने एक सवाल पूछा था कि 3 साल के बच्चे को लगा सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था पोविडीन आयोडीन पे, जैसे कि बीटाडीन सिप्लाडीन पे मैंने एक वीडियो बना रखा था, उसी से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या इसको 3 साल के बच्चे को लगा सकते हैं, अगर चोट लग गई है या फिर घाव हो गया है, बच्चे को लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, पोविडोन आयोडीन एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल घाव पर किया जाता है, वुंड्स हो जाते हैं, कहीं पर भी चोट लग गई है तो उसको ठीक करने के लिए, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल 3 साल के बच्चे में भी कर सकते हैं। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्किन सेंसिटिव है, एलर्जी हो रही है या फिर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस ऑइंटमेंट को लगाना बच्चे में तुरंत बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगला सवाल है सिद्धेश सावंत जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है कि सर, मेरे को जस्ट 10 डेज के लिए प्रिस्क्राइब किया है, मैं लूं या ना लूं? दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया था एमलोडिपिन पे, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसको डॉक्टर ने 10 दिन के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया है, तो इसको लूं या फिर ना लूं? दोस्तों, आपको बीपी रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। अगर बीपी बढ़ा रहता है तब आपको एमलोडिपिन टेबलेट खानी चाहिए और बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको इसको बंद नहीं करना चाहिए। जब डॉक्टर कहते हैं तभी इसको बंद करना चाहिए, अपने मर्जी से इसको खाना या फिर नहीं खाना ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला सवाल पूछा है इंडियन आर्मी की तरफ से, ये एक यूज़र हैं, इन्होंने पूछा है कि डॉप टेस्ट में प्रॉब्लम तो नहीं आता है, प्लीज़ रिप्लाई। मैंने एक वीडियो बना रखा था इटोरिकॉक्सिप पे, उसी से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डॉप टेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसको खाने के बाद। तो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि डॉप टेस्ट क्या होता है। दोस्तों, डॉप टेस्ट खिलाड़ियों के लिए किया जाता है, जैसे कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, रनर होते हैं या फिर कुश्ती के खिलाड़ी होते हैं या फिर पहलवान होते हैं, जितने भी रेसलर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनमें डोप टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि किसी तरह का भी अगर ड्रग लिया है किसी खिलाड़ी ने, तो इस डोप टेस्ट में वो पकड़ा जा सकता है, चेक किया जाता है। ये डोप टेस्ट 1 हफ्ते से लेकर 3-4 दिन तक का पता लगा सकता है कि किसी खिलाड़ी ने या फिर किसी प्लेयर ने ड्रग लिया है। दोस्तों, ड्रग से मतलब होता है नारकोटिक ड्रग्स, जो नशीली दवाएं होती हैं, तो उनसे रिलेटेड ये टेस्ट किया जाता है। इटोरिकॉक्सिब एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, यानी कि ये दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेबलेट है। खिलाड़ी होते हैं, उनको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, अभी थकान की वजह से मसल्स पेन होता है, तो ऐसे खिलाड़ियों को इस टेबलेट को दिया जा सकता है और डोप टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, डोप टेस्ट में अगर आप कोई नशीली दवा ले लेते हैं, जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स होती हैं, NRX होती हैं, उनको ले लेते हैं, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगला सवाल है राज की तरफ से, उन्होंने मुझसे पूछा है कि कैन वी रियूज ऑन पिंपल्स। तो मैं वीडियो बना रखा था पोविडियन आयोडीन पे, यानी कि बीटाडीन सिप्लाडीन पे मैंने वीडियो बना रखा था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कैन वी यूज ऑन पिंपल्स, यानी कि इनको पिंपल्स पे लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। जो पिंपल्स होते हैं, जिनको मुहासे बोलते हैं, ये अक्सर चेहरे पर होते हैं, आप मुहासों में बिल्कुल मत कीजिए, डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। अगर इन्फेक्शन हो गया है, उसमें पस बन गया है, घाव हो गया है, इंजरी हो गई है, मुहासे दाने पिंपल्स जो हो गए हैं छोटे छोटे या फिर फुंसी फोड़े हो गए हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिंपल्स के लिए पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट नहीं लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है त्रिषा परिदा की तरफ से, इन्होंने पूछा है कि स्टाई में यूज कर सकते हैं क्या। मैंने वीडियो बनाया था सिफिक्जिम टैबलेट पे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इसको स्टाई में यूज कर सकते हैं या नहीं। तो जान लेते हैं स्टाई होता क्या है। दोस्तों, स्टाई आँख की गुहेरी को कहा जाता है, जो हमारी आईलिड होती है उसमें फुंसी बन जाती है, जिसको गुहेरी या फिर स्टाई बोलते हैं, तो उसमें सिफिक्जिम को यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। दोस्तों, सिफिक्जिम टैबलेट एक एंटीबायोटिक होती है, ये बैक्टीरियाज को किल करती है और जहां पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वहां पर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है।
और जो गुहेरी होती है, स्टाई होती है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही हो जाती है। तो इसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार, अपने आप इसका यूज़ ना करें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।